अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी इफ्तार की रूटीन। तो आइए चले देखते हैं। ये मैंने कुछ सामान मंगवाए थे, इसमें कीमा है, चिकन है और पपाया है, और ये फ्रूट्स हैं। इनको मैंने पहले सैनिटाइज किया और उसके बाद वॉश करके मैंने यहाँ रखा है। अब मैं इसको अलग अलग करके रखूँगी। और ये पपाया मैं इसमें डाल दूँगी। सारे फ्रूट्स अलग अलग करके अलग अलग रखना। ये हो गया। ये मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं, इसका मैं कटलेट बनाऊंगी। और ये मैं जलेबी बना रही हूँ। ये कीमा का प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। कीमा मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं, हरी मिर्च है, यहाँ पे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर, ये मैंने रख लिया है। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया और कीमा डाल के मैं इसको भून लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसे जितने ड्राई मसाले हैं सब डाल दूंगी, और इसके बाद इसमें मैं हरी मटर डालूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको भी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा देर भूनूंगी। इसको भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैंने कटलेट तैयार कर लिए हैं, और ये कटलेट को मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे कीमा का फाइनल लुक, कीमा तैयार है। एंड में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, और ये मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं सारे काम होने के बाद। और फिर इसी टाइम मैंने मशीन भी चालू कर दिया था, और मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे, और ये मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो गए हैं। और ये मेरी इफ्तार की टेबल है जो कि रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।